नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने ही चैनल क्षेत्रीय विवेक पर। आज की इस वीडियो में हम असम के टॉप 10 पिकनिक स्पॉट के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने यार परिवार और रिश्तेदारों को भी साझा कीजिए, ताकि वह लोग भी इसका आनंद ले पाए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। पिकनिक के लिए दिसंबर से फरवरी तक सबसे अच्छा समय माना जाता है। राज्य और राज्य के बाहर के लोग सुंदर दृश्यों का आनंद लेने और नदियों के किनारे एक साथ भोजन करने के लिए असम में विभिन्न स्थानों को पिकनिक स्थलों के रूप में चुनते हैं। हालांकि वन्य जीवन, खूबसूरत नज़ारों और प्राकृतिक संसाधनों से घिरे असम जैसे राज्य में पिकनिक के उचित स्थान चुनना काफी मुश्किल हो जाता है, पर अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो में असम के कुछ सबसे बेहतरीन व खूबसूरत पिकनिक स्थलों के नाम पेश किए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सूची के पहले स्थान पर है सैंडुबी बील या सैंडुबी झील। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जानी जाने वाली सैंडुबी बील दक्षिण असम में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह कामरूप जिले में गुवाहाटी से 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिकनिक के दौरान मुसाफिर यहां नौका विहार और शिविर का भी आनंद लेते हैं। झील को दक्षिण असम का प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है। सैंडुबी झील निस्संदेह गुवाहाटी और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक पिकनिक स्थल के रूप में पहली पसंद हो सकती है। हमारी सूची के दूसरी स्थान पर है कोकाचांग जलप्रपात। कोकाचांग जलप्रपात असम के बोकाखाट में स्थित है। कोकाचांग जलप्रपात का पानी हीरे की तरह चमकता है। यह राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। कोकाचांग मध्य असम में स्थित होने के कारण यहां असम के विभिन्न हिस्सों से लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। हमारी सूची के तीसरी स्थान पर है बोगीबिल। ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। बहुत से लोग ब्रह्मपुत्र नदी की सुंदरता का आनंद लेते हुए यहां पिकनिक खाते हैं। यह स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, इसीलिए पर्यटक यहां विभिन्न पारंपरिक खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ धेमाजी, डिब्रूगढ़, सिलापथार और तिनसुकिया जिलों से भी पर्यटक बोगीबिल आते हैं। हमारी सूची के चौथे स्थान पर है दीपर बील। दीपर बील गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे अधिक विजिट करी जाने वाले पिकनिक स्थलों में से एक है। पिकनिक सीजन के दौरान यह बील बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहां कभी कभार पर्यटकों को 70 प्रवासी और 219 अन्य पक्षियों की प्रजातियों की दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। हमारी सूची के पांचवें स्थान पर है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्याने हमेशा पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए आकर्षित करते आ रहे हैं। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान अपनी विशाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यह उद्यान सोनितपुर जिले के तेजपुर से 40 किलोमीटर दूर असम के मध्य भाग में स्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के दौरान लोगों को राष्ट्रीय उद्यान को विभाजित करने वाली जियाभराली नदी की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर भी मिलता है। पिकनिक के आनंद के साथ साथ पर्यटक इस खूबसूरत जगह पर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। हमारी सूची के छठे स्थान पर है दिल्ली घाट। दिल्ली घाट आमतौर पर पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। दिल्ली घाट डिब्रूगढ़ जिले से 80 किलोमीटर दूर नामरूप में स्थित है। दिसांग नदी की खूबसूरती इस जगह को और भी आकर्षक बना देती है। जगह के आसपास के घने जंगल सभी के लिए एक रोमांचक साहसिक अनुभव प्रदान करते हैं। हमारी सूची के सातवें स्थान पर है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान गुवाहाटी से 138 किलोमीटर दूर स्थित है और असम के बागसा और चिरांग जिलों में एक बड़े क्षेत्रफल को कवर करता है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ और हाथी परियोजना रिजर्व
और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। नए साल के दौरान कई पर्यटक इसकी सुंदरता और वन्य जीवन का आनंद लेते हुए पिकनिक खाने के लिए पार्क में आते हैं। हमारी सूची के आठवें स्थान पर है आकाशी गंगा। यह रिसॉर्ट दबका शहर से कुछ दूरी पर नौगाम जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जगह के आसपास के ऊंचे पहाड़ और हरियाली विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को पिकनिक के लिए आकर्षित करते हैं। हमारी सूची के नवे स्थान पर हैं सराईदेव। आहोमों की राजधानी थी सराईदेव। अपने ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के कारण यह स्थान बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें आहोम दिनों के इतिहास की याद दिलाता है। यह स्थान असम के शिवसागर जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी सूची के दसवें स्थान पर है बगामाटी। बगामाटी दक्षिण असम के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान असम के बाक्सा जिले में बर नदी के तट पर गुवाहाटी से 92 किलोमीटर दूर स्थित है। परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए अक्सर असम के बोरपेटा, कामरूप, नलबारी, बाक्सा और दरंग जिलों के लोगों की भीड़ लगा ही रहता है। दर्शकों, यह था आज की हमारी टॉप 10 पिकनिक स्थलों की जानकारी। अगर इनमें से कोई प्रमुख पिकनिक स्थान छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।